सो गाइस, जैसा कि आप लोग को भी पता है, बहुत से चैनल होते हैं जो वो फ्रीज हो जाते हैं, उन लोग पे अच्छा खासा व्यू नहीं आता है। अगर मान लो उस पर 2000-3000 सब्सक्राइबर है ना, तो यार वो फ्रीज हो जाते हैं। अगर स्टार्टिंग है उस चैनल के 10000-5000 सब्सक्राइबर हैं, वो भी फ्रीज हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है भाई, वाई? आप लोग अभी ये सोचते हो कि चैनल फ्रीज क्यों होता है? और जब फ्रीज हो जाती है तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उस पर अगर चाहे जितना आप वीडियो डालो, चाहे इतना अच्छी क्वालिटी का वीडियो डालो ना, लेकिन उस पर व्यू नहीं आने वाला, बस वही 2-3-4 ऐसे व्यू आएंगे। यार ये फ्रीज क्यों होता है आपको पता है कभी? तो यार फ्रीज दो कारण की वजह से होता है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा दो कारण क्या होता है। पहले आप बेसिक समझ लो, बेसिक क्या होता है, ठीक है ना? ये जो फ्रीज चैनल हो जाते हैं ना, इसको अनफ्रीज करने के लिए कोई चांस होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं, हम लोग को बताते हैं कि हाँ यार ऐसे करो ऐसे करो तो आपके चैनल जो है ना वो अनफ्रीज हो जाएगा, लेकिन भाई फिर भी आपका चैनल अनफ्रीज नहीं होता है। आप लोग ने भी ट्राई किया होगा, लेकिन फिर भी आपका चैनल अनफ्रीज नहीं होता है। आप लोग पता है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हो कि मेरा चैनल मतलब फ्रीज हो गया, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? बहुत लोग पता है माइंडसेट पे आ जाता है उन लोग को, बस यार अब नहीं, अब मैं चैनल नहीं बनाऊंगा। तो भाई आप ये सबसे बड़ी गलती करते हो। अगर आप एक बार यूट्यूब पे आ जाते हो ना, तो भाई 100% हमेशा उसी पे पड़े रहो, आज तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। पता है YouTube क्या होता है? YouTube भी ऐसा चाहता है यार, आपके पता है जब स्टार्टिंग का आपका व्यू होता है ना, तो YouTube भेजता रहता है, ठीक है ना? फिर बीच में रोक देता है, वो देखता है कि हाँ अब आप YouTube छोड़ के जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। स्टार्टिंग में आपको व्यू भेजेगा, 10000 लोग को भेजेगा, मान लो 200-300-150 मतलब कितना भी भेज रहा है, लेकिन भेजता है, ठीक है ना? भेजने के बाद बीच में रोक देता है, जब रोक देता है देखता है कि हाँ आप लोग अभी तक रुके हुए हो कि अब जा रहे हो YouTube छोड़ के। अगर आप चले जाते हो ना, वहीं आपका चैनल को फ्रीज कर दिया जाता है। अगर आप रुके रहते हो, वीडियो कंटिन्यू करते हो, तो एक वीडियो पे व्यू नहीं आता है, फिर उसके बाद से हर एक रेगुलर आपके वीडियो पे व्यू आना स्टार्ट हो जाता है। यही आप लोग गलती करते हो। जब आपका व्यू चैनल डाउन करता है ना, तो आप लोग वीडियो बनाना ही छोड़ देते हो, बस आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि हाँ यार अब इससे काम नहीं होगा। लेकिन भाई ये आपकी गलती नहीं है, ये चैनल ऐसा करता है। ये चैनल आपको एक बार चांस देता है कि हाँ आप रुके हो कि आप जा रहे हो, लेकिन आप गलती करते हो, आप चले जाते हो। अगर उसी पे आप रुके रहते ना, तो 100% आपका चैनल फ्रीज नहीं होता है। अब मान लो आपने गलती तो कर दी है, अब आप दोबारा गलती नहीं करोगे, अब आप बोल रहे हो आदर्श भाई मेरा चैनल को अनफ्रीज कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके चैनल को अनफ्रीज कर दूंगा, बट आपको दो चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने मतलब आपको बस एक महीना टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर एक महीने के बाद फिर भी आपका व्यू नहीं आ रहा है ना, तो आप ना नया चैनल बना लीजिए, ठीक है? लेकिन पहले एक महीने तक देख लीजिए, क्योंकि आपके इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, शायद एक महीने के बाद से आपका चैनल बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करे, बहुत ही ज़्यादा ग्रो करे, ठीक है ना? पहले वो ट्रिक आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले आपको पता है क्या करना पड़ेगा? पहले पहली बात ये है कि आपको ना रेगुलर वीडियो डालना पड़ेगा, ठीक है ना? जितना भी आपने वीडियो डाला है ना, उसको भाई वैसे रहने दो, उसके बाद से एक महीना लगातार आप रेगुलर वीडियो डालो। अनफ्रीज करने के लिए भाई आपको इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? आपको एक महीना का टारगेट लेना पड़ेगा, एक महीने तक आपको रेगुलर वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर वीडियो बनाते हो ना, तो 100% आपका जो चैनल होता है ना, वो अनफ्रीज होने की संभावना हो सकती है। अगर एक महीने के बाद भी आपका चैनल अनफ्रीज नहीं हो रहा है, वो आपको रिजल्ट पता है 14 या 15 दिन में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि हाँ आपका चैनल अनफ्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 14 या 15 दिन में आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है, फिर भी उतने ही व्यू आ रहे हैं, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं हो रहा है, तो आप करो भाई सबसे पहला काम करो, आप नया चैनल बना लो। इस पर भी वीडियो डालो, लेकिन उतना नहीं जितना आप नया चैनल पर डालो, ठीक है? नया चैनल आपको आपका ना इससे भी ज़्यादा ग्रो करेगा भाई। फ्रीज को अनफ्रीज करने का बस यही चांस है, यही टारगेट है, यही ट्रिक है कि आपको पता है रेगुलर वीडियो डालो, कंटिन्यू वीडियो डालो। अगर आपका एक भी बार छूट गया तो आपका चैनल तुरंत डायरेक्ट भाई फ्रीज हो जाएगा। ये होता है भाई। अगर फिर भी जैसे मैंने बताया, अगर फिर भी रेगुलर वीडियो डालने से भी बाद भी आपका चैनल अनफ्रीज नहीं हो रहा है, तो भाई उसको छोड़ो, उसको मारो गोली और नया चैनल स्टार्ट करो। नया चैनल भाई रहेगा ना, तो आपका और जल्दी ग्रो करेगा। और यार फ्रीज होने की एक और टारगेट होता है, ठीक है ना? गैफिंग। मान लो आप रेगुलर तो वीडियो बना ही रहे हो, लेकिन कभी कभी एक आध दिन आप गैफिंग कर देते हो ना, फिर भी आपका चैनल ना फ्रीज हो जाता है। आप पता है आप ना एक टारगेट बना लो कि आपके चैनल पे जो 24 घंटे है 48 घंटे का जो व्यू और काउंटिंग है ना, वो पता है 1000-2000 प्लस ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा। तो उससे आपका चैनल ना और ज़्यादा ग्रो करेगा। और आप पता है हमेशा उसको 2000 तक रोक के रखो, उससे नीचे ना उतरने दो, 48 घंटे होगा। बस भाई जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आपको शेयर कर दिया। अब आगे आपकी मर्जी है, आप इसका पालन करोगे या ना करो, इसमें आपका टारगेट है। मुझे जहाँ तक मुझे पता था, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना? ऐसे करके आप फ्रीज चैनल को ना अनफ्रीज कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आया होगा, कुछ भी आपको एक ट्रिक अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी मज़ेदार वीडियो आती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।